नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेडो में, और मैं आज फिर से हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। तो आशा करूंगा ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगे दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो मेरे आपने पिछले नोट्स देखे होंगे उसमें भी आपको कई ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और मेरे साथ में एक प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने 10 प्रश्नावली एक क्विज चलाता हूँ मैं आदिकाल में भी। उसमें सिर्फ 10 प्रश्न डालने से मेरा मतलब यह है कि मैं चाहूँ तो उसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बढ़ाता इसलिए नहीं हूँ कि 10 प्रश्न के अंतर्गत ही जब आप अगर देखते हो तो दोस्तों मैं कम से कम 50 प्रश्न उसके सामने रखता हूँ, आप लोगों के सामने 50 से ऊपर ही रखता हूँ 10 प्रश्नों में, है ना। लेकिन उन 10 प्रश्नों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि वहाँ से उन प्रश्नों से, उन राइटरों से, उन कालों से, उन विशेषताओं से कुछ भी प्रश्न आए तुम्हारा गलत ना जाए दोस्तों। सिर्फ वो 10 प्रश्न नहीं होते हैं, है ना। कई लोग जो थंबनेल देख के आगे बढ़ जाते होंगे कि 10 प्रश्न लिखेंगे इसमें, तो भाई आप चाह के एक बार विजिट करो, उन प्रश्नों को देखो, उनकी डिटेल्स देखो क्या क्या बताया गया है, है ना। फिर जाके आप को बोलो, आप मैं एक और आदिकाल में सीरीज चलाऊंगा जो 50-50 क्वेश्चन वाली होगी, ऐसे तो उसमें ज़्यादा समझा के नहीं चलूंगा। लेकिन तो हम देखो, हमने आदिकाल में हमने अपभ्रंश को पढ़ा, देशभाषा को पढ़ा, हमने फिर जैन सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, जैन साहित्य पढ़ा है, फागु साहित्य पढ़ा, अब हम नाथ साहित्य की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। हमने रासो नहीं पढ़ा, रास साहित्य पढ़ लिया है, रासो नहीं पढ़ा भी। तो अब आज का जो टॉपिक है वो किस पे है, नाथ साहित्य पे। तो नाथ साहित्य क्या होता है, देखो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं ये, जो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वो कैसा साहित्य कहलाता है, नाथ साहित्य कहलाता है। अब अगली लाइन में देखो, इनको या इनका चरमोत्कर्ष काल राम कुमार वर्मा के अनुसार 12वीं से 14वीं सदी के अंत में है दोस्तों। किनका चरमोत्कर्ष काल, नाथों का दोस्तों, ठीक है। नाथों का चरमोत्कर्ष काल राम कुमार वर्मा ने कितना माना है, 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक। अगली लाइन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल में संत मत के रूप में देखने को मिलता है। जो मैंने 10 प्रश्नों की सीरीज डाली थी उसमें मैंने लिखा भी है कि संत में प्रयोग किया हुआ शब्द शब्द और किस पंथ से संबंधित है, है ना, और किस धार्मिक संस्था या धार्मिक धर्म से, धर्म से संबंधित है। उसमें आता है सिद्धों से, नाथों से, जैन से, रासों से, है ना। तो दोस्तों किससे संबंधित है ये, नाथ से। इसमें देखो लाइन देखो, साफ साफ बोल रहा है कि नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल में संत मत के रूप में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को या नाथ संप्रदाय को, किसको दोस्तों, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, अब योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम से पुकारा है दोस्तों। हजारी प्रसाद देव जी ने नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा है दोस्तों। अगली लाइन में देखो क्या बोल रहा है ये, एक मिनट में एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, उसमें मुझे मिल नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका नाम है, माफ़ी चाहूँगा, हाँ बस मिल गया, जो डाउट था थोड़ा सा वो क्लियर होना जरूरी है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखो, इसमें थी वो लाइन, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता में इसमें नारी की निंदा सर्वाधिक उल्लेख है, नाथों में नारी की निंदा का सर्वाधिक उल्लेख है, और इसीलिए संत साहित्य में भी नारी को आत्मा कहा गया है। तो भक्ति काल में जब हम संत साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें नारी को कहा गया है आत्मा, और वहीं पर सूफी काव्य में नारी को कहा गया है परमात्मा और पुरुष को क्या गया है आत्मा, और संतों ने
पुरुष को परमात्मा और नारी को आत्मा का है। और नाथों में देखो नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख होता है। सिद्ध साहित्य के भोग विलास की निंदा की गई है। सिद्ध साहित्य में देखो जो 84 सिद्ध थे उसमें क्या है महा, देखो आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, महासुख की प्राप्त करनी है तो स्त्री हेतु संसर्ग करना अनिवार्य था, ठीक है दोस्तों। और उसमें देखो सिद्ध साहित्य के भोग विलास की निंदा की गई है। इसी चीज से परेशान होकर सिद्धों से नाथ निकले थे बाहर। सिद्धों से ही नाथों ने क्या करी थी, अपनी जो एक धार्मिक संस्था थी वो एक अलग कर दी थी दोस्तों। इस साहित्य में हठयोग का प्रयोग होता है। हठयोग, हठयोग का मतलब जानते हो, हवन होती है सूर्य, हवन क्या होता है दोस्तों सूर्य, और ठवन क्या होता है चंद्रमा। इसमें एक लाइन होगी भी कि ह माने क्या होता है, देखो ह का अर्थ होता है सूर्य तथा ठ का अर्थ क्या होता है चंद्रमा, और इन दोनों के योग से ही, इन दोनों के योग से क्या बनता है दोस्तों, हठयोग बनता है दोस्तों। इन दोनों के योग से क्या बनता है, हठयोग। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगला है मन प्राण शुक्र वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयान, जय योग या कुंडली योग कहा गया है। मतलब मन प्राण शुक्र वाक और कुंडलिनी इन पांचों के संयोग को या संयमन तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयान, राजयोग, कुंडली योग कहा गया है। और एक और लाइन और आ रही थी दोस्तों कि नाथ जो पंथी हैं इनकी भाषा सगदु ककड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। तो नाथ पंथियों की भाषा कैसी है, सगदु ककड़ी है। सगदु ककड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। और नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहते हैं दोस्तों। कनफटा कहने से मतलब ये होता है कि ये पंथ के लोगों के कान जो होते थे छिदे होते थे और इसमें पत्थरों के क्या होते थे, स्टफिक के कुंडल टाइप के डले होते थे। तो इन्हीं को इसलिए क्या बोला जाता है, कनफटा भी कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाथों के जो एक प्रकार नाथ पंथ के जो संस्थापक थे गोरखनाथ, उनके पढ़ेंगे। तो उनकी डिटेल देखो क्या बोला है, जन्म काल को लेकर मतभेद है दोस्तों। जन्म काल को लेकर क्या है, मतभेद है। तो राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने इनका जन्म बताया 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त भरतवाल ने बताया 11वीं सदी, और राम कुमार वर्मा ने बताया 13वीं सदी, और रामचंद्र शुक्ल ने बताया 13वीं। तो राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल 13वीं, पीताम्बर दत्त भरतवाल 11वीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं, राहुल सांकृत्यायन 9वीं। मतलब 845 बोला तो 9वीं सदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गौरक्ष सिद्धांत में इनका विवरण इस प्रकार है। तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। और दोस्तों ये क्रम याद रखना है आप लोगों ने, परीक्षाओं में सीधे यही क्रम पूछा जाता है। नागार्जुन, देखो मनस मुझे कैसे याद रखता है, देखो लास्ट में अर्जुन है और लास्ट में शुरू में अर्जुन है और लास्ट में भी अर्जुन है। और एबीसीडी में हैं एम एन, हम क्या बोलते हैं एम एन ओ, तो एम से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पे एन से शुरू होता है और एन पे खत्म होता है, ठीक है। मतलब नाग से शुरू खत्म, नाग से नाथ शुरू होता है। देखो नाथ पढ़ रहे हैं हम तो नाथ से शुरू होगा, नाथ के बारे में नाग, समझ रही बात। हम किससे शुरू कर रहे, क्या पढ़ रहे हैं, नौ नाथ पढ़ रहे थे, नागार्जुन से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों इसका भी नौ और नाथ में भी नौ है। तो सबसे पहले देखो क्या नाम आ रहा है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो नागार्जुन को क्या बोलते हैं, नाथों में रसायनी। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ,
भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। और जलंधर को क्या बोलते हैं? बालनाथ। याद रखना, जलंधर को क्या बोलते हैं? बालनाथ कहते हैं। और जलंधर ने ही अपनी जो एक पद्धति थी या अपने वर्ग को ही संतों से अलग किया था, और अपना एक पहाड़ी में चले गए थे, पंजाब क्षेत्र की पहाड़ी में चले गए थे, जिस पहाड़ी में जलंधर नाथ की पहाड़ी, जलंधर की पहाड़ी बोलते थे, और उन्हीं के नाम पर उस नगर का नाम क्या पड़ा? जलंधर पड़ा है। पंजाब में एक क्षेत्र है जलंधर, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है दोस्तों। तो क्वेश्चन बनता है कि सिद्धों से अपने वर्ग को या अपने समुदाय को अलग कर दिया था, वो थे जलंधर नाथ, जिनका नाम क्या? बालनाथ। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला माना जाता है। कहाँ से निकला देखो दोस्तों, बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। दूसरा प्रश्न देखो, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को हठ योग का प्रवर्तन किया था दोस्तों। तो अपने जो हठ योग की शुरुआत करी है इनने, कहाँ से करी है? पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। हठ योग के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा। मतलब सूर्य और चंद्रमा के योग को ही क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। और इसका यह अर्थ किस ग्रंथ से मिला है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति से मिला है। गोरखनाथ की पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, है ना। तो ये किसकी पुस्तकें हैं दोस्तों? इन्हीं की पुस्तक है। इसमें निरंजन पुराण, वैराट पुराण, विवेक मार्तंड, है ना। तो हम पढ़ेंगे कम से कम 7 या 8 पुस्तकें आती हैं इनकी। मुझे भी ढंग से याद आ नहीं रहा एकदम नाम, लेकिन देख के ऑप्शन पता लग जाएगा। हिंदी साहित्य में षट योग, 6 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? गोरखनाथ की ने चलाया था। षट चक्र का योग जो मार्ग था किसने चलाया था दोस्तों? गोरखनाथ ने चलाया था। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा, और इनकी रचना थी काल ज्ञान निर्णयी। तो काल ज्ञान निर्णय किसकी पुस्तक है? गोरखनाथ के गुरु की, मत्स्येंद्रनाथ की। और संपादन किसने किया था दोस्तों उसका काल ज्ञान निर्णय का? प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने किया था दोस्तों? प्रबोध चंद्र बागची ने। और याद रखना, सरहप्पा का दोहा कोश का संपादन भी प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। विष्णु शर्मा मतलब मत्स्येंद्रनाथ या विष्णु शर्मा का ग्रंथ जो बना था काल ज्ञान निर्णय का भी संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब अगला प्रश्न देखो, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, बहुत ज्यादा पूछा था यूजीसी नेट में। पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना, और उसका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया था दोस्तों, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। और अगली लाइन देखो, एक और चीज आ रही हो यहाँ पे पीताम्बर दत्त बर्तवाल का। देखो, गोरखनाथ का कार्यकाल, 1 मिनट, कार्यकाल नहीं जन्मकाल, राहुल शंकर त्यान और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राहुल शंकर त्यान ने 845 बोले तो 9वीं सदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने बोला था 11वीं सदी। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने 11वीं सदी। राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने 13वीं सदी। तो पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ का जो सदी मानी थी 9वीं सदी मानी थी, और इनके 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गौरवाणी नाम से किया था। वो 14 ग्रंथ कौन कौन सा दोस्तों? सबदी, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, नरवे बोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गौरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, पंत क्या पंत्र मात्रा, पंत्र मात्रा है, पत्र मात्रा भी आप इसे कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसके? गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की दोस्तों। तो 8 है, यही पूछा था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, विवेक मार्तंड। देखो वी वी
सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, गौरक्ष शतक। शक्ति संगम तंत्र, गौरक्ष शतक। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट में यही पूछे जाते हैं भाई। गौरखनाथ के वो पीताम्बर दत्त पटवाल का तो सिर्फ ये पूछा जाता है, इन्होंने 11वीं सदी बताई थी। गौरखनाथ के 14 ग्रंथों से एक गौरव वाणी का संपादन किया था जिसके अंदर 14 ग्रंथ उन्होंने शामिल किए थे। लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, गौरक्ष शतक, इनकी ये रचनाएं थी दोस्तों। कितनी है? 8 रचनाएं संस्कृत की। अब बोल रहे हैं आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना। आदिनाथ मतलब बाद के नाथ, ठीक है दोस्तों। चरपट नाथ का पूरा नाम चरकानंद है दोस्तों। चरपट नाथ का पूरा नाम क्या था? चरपट नाम याद रखना, 7वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है दोस्तों? 7वें नंबर पर है चटपट चरकानाथ, चरपट नाथ। हमने सबसे पहले बोला था नागार्जुन और मल्लार्जुन, तो शुरू में नागार्जुन और मल्लार्जुन लास्ट में। देखो नागार्जुन जड़ भरत, नागार्जुन जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गौरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लार्जुन। तो 7वें नंबर पे अपने चरपटनाथ थे जिनका नाम क्या है? चरका नंद। चौरंगी नाथ गौरक्षनाथ के शिष्य थे और यह पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। चौरंगी नाथ किस नाम से प्रसिद्ध थे? पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों। नागा अर्जुन और गौरक्षनाथ और चरपटनाथ जलंधरनाथ, नागा अर्जुन, गौरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथ और सिद्ध दोनों थे कौन? नागार्जुन, गौरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारा गौरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथियों के जोगियों को कनफटा कहते थे। कनफटा कहने का मतलब है वो कानों में बड़े बड़े पत्थर वाले कुंडल पहनते थे, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे? कनफटा कहते थे। नाथों की भाषा कैसी थी? सद्दू ककड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। मतलब सद्दू ककड़ी भाषा कैसी थी इनकी, जिसमें खड़ी बोली के साथ किसका प्रयोग होता? राजस्थानी का प्रयोग होता दोस्तों। अगली लाइन क्या बन ली है? आचार्य राज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गौरखनाथ के लिए बोला था इन्होंने कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है कोई भी। अगली लाइन देखो, इसमें क्या बन रहा है आपका? एक पॉइंट और आ जाएगा आपका क्या? भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गौरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गौरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फिर से बोला था भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गौरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गौरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे दोस्तों। अगली लाइन आ रही है, नोट में क्या लिखा है? हिंदी के पहले कवि सराप्पा है और हिंदी की पहली रचना कौन सी है? देखो सराप्पा का चार देवसेन की है, ठीक है। 933 की थी ये और 250 दोहों में श्रावक धर्म को बताया गया है दोस्तों। तो हिंदी के पहले कवि सराप्पा है लेकिन हिंदी की पहली रचना सराप्पा द्वारा लिखी गई दोहा कोश नहीं है, जिसका संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। लेकिन देखो हिंदी की पहली रचना किसको माना है? श्रावकाचार को। और श्रावकाचार दोस्तों किसकी रचना थी? श्रावकाचार दोस्तों आपकी है देवसेन की। इसमें एक और प्रश्न, एक और पेज था हमारा
जिसको हमारा मिस हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे ऐड कर दूंगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, समय हमारे पास है तो। एक लाइन थी इसमें ये, हिंदी की पहली रच रही है, चलो ठीक हो गया, बस इसमें यही वाला पॉइंट था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, जो मैं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी मैं एक डेढ़ घंटे बाद ही 10 प्रश्न वाली प्रश्नावली डाल दूंगा दोस्तों।